चाय जो आप बनाते हैं उसमें चाय से ज्यादा नुकसान है चीनी, ये जो शुगर है ना चीनी, इसका चाय के साथ कोई मेल नहीं है। अगर आप चाय पी रहे हैं वैसे तो मत पिए, क्योंकि आपकी तासीर के अनुकूल नहीं है। चाय के जो केमिकल है ना भारत के लिए उपयोगी नहीं है, भारत में रहने वाले लोगों के लिए, यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत अच्छी है यही चाय, हमारे लिए वो जहर है। कॉफी तो और भी ज्यादा, गर्म देशों में चाय कॉफी अच्छी नहीं है। फिर भी अगर आप पी रहे हैं, आप मानते हैं कि खराब है लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है, तो मैं एक तरीका बता देता हूँ। वो तरीका ये है कि चीनी की जगह गुड़ की चाय पी लीजिए। क्यों पी लीजिए वो समझिए, गुड़ जो है ना क्षारीय है और चीनी है ना अम्लीय है। आपके पेट में अम्ल वैसे ही बहुत है और सुबह सुबह तो ज्यादा ही होता है, और उस समय अम्ल वाली चाय और पिए जो चीनी मिलाई हुई है, तो ये एसिडिटी ही बढ़ाएगी आपको। तो बेहतर है कि आप चाय पिए तो गुड़ वाली पिए। चाय जो आप बनाते हैं उसमें चाय से ज्यादा नुकसान है चीनी, ये जो शुगर है ना चीनी, इसका चाय के साथ कोई मेल नहीं है। अगर आप चाय पी रहे हैं वैसे तो मत पिए, क्योंकि आपकी तासीर के अनुकूल नहीं है। चाय के जो केमिकल है ना भारत के लिए उपयोगी नहीं है, भारत में रहने वाले लोगों के लिए, यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत अच्छी है यही चाय, हमारे लिए वो जहर है। कॉफी तो और भी ज्यादा, गर्म देशों में चाय कॉफी अच्छी नहीं है। फिर भी अगर आप पी रहे हैं, आप मानते हैं कि खराब है लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है, तो मैं एक तरीका बता देता हूँ। वो तरीका ये है कि चीनी की जगह गुड़ की चाय पी लीजिए। क्यों पी लीजिए वो समझिए, गुड़ जो है ना क्षारीय है और चीनी है ना अम्लीय है। आपके पेट में अम्ल वैसे ही बहुत है और सुबह सुबह तो ज्यादा ही होता है, और उस समय अम्ल वाली चाय और पिए जो चीनी मिलाई हुई है, तो ये एसिडिटी ही बढ़ाएगी आपको। तो बेहतर है कि आप चाय पिए तो गुड़ वाली पिए।